नमस्कार, के एन मीडिया के साथ में योगेश्वर। शिक्षा होती है आईना समाज का, शिक्षा से व्यक्ति पाता ज्ञान है। झूठी शान के परिंदे ही ज़्यादा फड़फड़ाते हैं, आकाश वही छूता है जिसमें ज्ञान है। इस वक्त हम पहुँचे हैं संस्कार विद्यापीठ पब्लिक स्कूल में। यहाँ पर सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं यहाँ के प्रिंसिपल सर, इनसे बातचीत करते हैं। सर स्वागत आपका। सबसे पहले थैंक यू सर। ये बताइए, आज स्कूल में क्या किस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? स्कूल में डॉक्टर्स की टीम आई है जो गोहाना हॉस्पिटल से है, आर्या हॉस्पिटल है, वहाँ से डॉक्टर्स आए हैं। बच्चों की प्रॉब्लम ये थी कि कोरोना टाइम में मोबाइल्स या जो भी हमारे टीवी लैपटॉप जो देखे गए बच्चे हैं, आँखों में काफ़ी सारी प्रॉब्लम आने लग रही थी और कुछ जर्नल चेकअप था, फैली हुई हैं बीमारियाँ इस मौसम में। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना डॉक्टर्स को यहीं बुला लिया जाए और बच्चों को हेल्थ चेकअप करवाया जाए। चूंकि बच्चों का पढ़ने का काम होता है तो उनकी जो आंखों की प्रॉब्लम है वो नॉर्मल रहती है, और फिलहाल कोरोना काल में बच्चों ने मोबाइल लैपटॉप के आगे बहुत सारा समय व्यतीत किया है। तो आप एक हालांकि ये कर्तव्य अभिभावकों का बनता है, लेकिन आपने इसके ऊपर ध्यान दिया है, तो इतनी संवेदनशीलता क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर, टीचर होता ही संवेदनशील है, वो सेकंड पेरेंट्स होता है बच्चों का। तो वो जब प्रॉब्लम देखता है कि बच्चे ब्लैक बोर्ड पे उसको सही से नज़र नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं लगता है कि उसकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है बच्चे के आई साइड में। और चूंकि वो हॉस्पिटल में जाने के लिए पेरेंट्स को जो है कह सकता, अगर वो सोल्यूशन नहीं हो रहा तो हमने ये सोचा क्यों ना उन्हीं को बुला लिया जाए यहाँ पर। सर, क्या स्कूल में जितने भी बच्चे उपस्थित हैं सभी का आई चेकअप किया जाएगा? हाँ बिल्कुल, सभी का आई चेकअप, टीथ, ईयर, हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है बिल्कुल, नर्सरी टू 12th क्लास। डॉक्टर्स की पूरी टीम बैठी हुई है, तो डॉक्टर्स से बातचीत करते हैं। सर सबसे पहले स्वागत आपका। ये बताइए, आज आप यहाँ पे पहुँचे हैं, सबसे पहले ये बताइए कि बच्चों का चेकअप किस प्रकार से किया जा रहा है? यहाँ हेल्थ चेकअप किया जा रहा है आर्या हॉस्पिटल की तरफ से, गोहाना से। कुछ और डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर स्वागत आपका। धन्यवाद। ये बताइए, आज आप पहुँचे हैं तो सर कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है चेकअप करके हमें बच्चों का। क्या आप मानते हैं कि कोरोना काल के दौरान बच्चों की जो आँखों के संबंधी रोग हैं या और भी, उसमें इजाफा हुआ है? बिल्कुल सर, बिल्कुल हुआ है, क्योंकि अब कोरोना काल में जैसे था कि ऑनलाइन क्लासेस मेनली ज़्यादातर हो रही थी और ऊपर से फ़ोन का भी ज़्यादा यूज़ हो रहा था, गेमिंग वगैरह, टीवी वगैरह, इंटरनेट यूज़, इससे बच्चों की आँख तो अफेक्ट हुई है, साथ ही साथ उनका पोस्चर होते हैं, बैठने का, गर्दन में दर्द, कमर दर्द, इनके पेशेंट्स भी हैं। फिलहाल संस्कार स्कूल में तो मतलब बच्चों ने यहाँ पे चेकअप करा लिया है, लेकिन और जो भारतवर्ष के बच्चे हैं, हरियाणा के बच्चे हैं जो स्कूल में जाते हैं, उनको, उनके अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या उन्हें भी चेकअप कराना चाहिए और कौन कौन सी सावधानियाँ हैं जो उन्हें बरतनी चाहिए? सर नियमित रूप से मतलब सब एक चेकअप जरूर कराएँ और प्रॉपर अपने खाने पीने का ध्यान रखें, सेल्फ हाइजीन बहुत ज़रूरी है, ये कुछ हिदायतें हैं। अच्छा, क्या सभी के लिए एक बार फिर से मतलब बच्चों को कितने समय के अंतराल में चेकअप कराना चाहिए आँखों का रूटीन में? हर 6 महीने के अंदर अगर कोई स्पेक्स पहनता है तो उसको मतलब चेकअप कराना अनिवार्य है उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स जुड़े थे, अब बच्चों से बातचीत करते हैं कि उन्हें अपने स्कूल का जो ये सराहनीय प्रयास है उनके बारे में उनका क्या कहना है। यहाँ के स्कूल्स के कुछ टीचर्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैम स्वागत आपका। थैंक यू। बताइए थोड़ा, आज के जो आपने ये जो बच्चों का चेकअप करवा रही हैं जी? सर आई थिंक रेगुलर चेकअप सबके लिए ज़रूरी है, चाहे बच्चे हैं बड़े हैं। हमें लगता है जब तक हमारे अंदर कोई सिम्टम नहीं दिखाई देते तो वी थिंक कि अब हम बहुत हेल्दी हैं, बट आई थिंक 2-3 महीने के गैप में हमें रेगुलर चेकअप के लिए जाते रहना चाहिए और वो चीज़ ज़रूरी है। तो उसी के रिगार्डिंग स्कूल में रेगुलर ऐसी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। आप सभी बच्चों का मतलब स्कूल में जितने बच्चे हैं सबका चेकअप? जी सर, सबका, पूरे स्टाफ का, सभी का चेकअप होगा। कुछ बच्चे भी हम बातचीत करेंगे यहाँ पे। तन्नू सर, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 11th साइंस। 11th साइंस में, तो आप चेकअप के। कुछ और स्कूल के विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप लोगों का स्वागत है। ये बताएं, आज आपके स्कूल में कैंप लगाया, आपका क्या कहना है? आज हमारे स्कूल में जो कैंप लगाया गया है उससे हम अपने प्रिंसिपल को धन्यवाद करेंगे, क्योंकि हेल्थ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और उन अथॉरिटीज़ का जिन्होंने अपना प्राइसलेस टाइम हमें दिया। हमारे स्कूल में आईज़, ईयर, नोज़ और अदर डेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में आज इलाज चला हुआ है, जिसके लिए बच्चे बहुत से उत्साहित भी हैं और कुछ डरे हुए भी हैं। और आज हमारे स्कूल में कोरोना का भी विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हेल्थ प्रॉब्लम का इलाज जारी है।
मास्क वगैरह, अगर हम बात करें इस कैंप के अलावा स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह सभी का ध्यान रखा जाता है? हाँ, स्कूल में सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है क्योंकि हेल्थ से बड़ा आजकल कुछ नहीं है और कोरोना बहुत फैला हुआ है, इसलिए बच्चे प्रॉपर मास्क लगा के रहते हैं। ऑनलाइन क्लासेस का दौर भी चला है, आप लंबे समय से स्कूल से बाहर भी रहे हैं, आप फिलहाल स्कूल में आ रहे हैं तो कैसा लग रहा है? हम स्कूल में आ रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ऑनलाइन क्लास में बच्चे इतना अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, किसी को फ़ोन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो आई साइट से रिलेटेड, पर जो हम पढ़ाई अपने ऑफलाइन में कर सकते हैं वो ऐसा पॉसिबल नहीं है ऑनलाइन में। अभी बात की, स्कूल का नाम है संस्कार और यहाँ के बच्चों में हमें संस्कार भी देखने को मिले हैं। यहाँ के एक मेधावी अध्यापक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर स्वागत है। थैंक यू सर। ये बताइए, आज आप इस कैंप के बारे में क्या कुछ, आप ही सारी देख रेख कर रहे हैं बच्चों का, अग्रणी भूमिका में आप हमें दिख रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा सर, सबसे पहले तो मेरे प्रिंसिपल सर डॉक्टर श्री अरविंद पुनिया जी, उसके बाद जो डॉक्टर आर्या हॉस्पिटल के तरफ से जितने भी टीम आई है उन सबका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे एक कहने पर सारी की सारी टीम जुटाई और यहाँ पर इस तरह की अच्छी मैनेजमेंट की। कोरोना काल के बाद बच्चों में एक थोड़ा सा इस तरह का चेकअप एग्ज़ाम से पहले और साथ ही साथ स्कूल की परिस्थितियों को देखते हुए बहुत ज़रूरी हो जाता है। हमने हर तरह से बच्चों का फीवर, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीमीटर, पल्स रेट, हर चीज़ चेक की है ताकि हम पेरेंट्स को भी ये चीज़ कंफर्म कर सकें कि आपके बच्चे जो हैं पूरी तरह से स्वस्थ हैं, नहीं हैं तो क्या उनकी प्रॉब्लम है आईज टीथ वगैरह के रिगार्डिंग। और मेरे हिसाब से हर 6 महीने के अंदर इस तरह का चेकअप स्कूल्स वगैरह के अंदर होता रहना चाहिए। सर अगर मैं बात करूँ शारीरिक स्वास्थ्य तो आप लोग जाँच रहे हैं, लेकिन कोरोना काल में ऐसी खबरें लोगों को और बच्चों को सुनने को मिली है, साथ में ऐसी घर में वो रहते हैं तो मानसिक तनाव भी बच्चों में पनप रहा है, इसको लेकर क्या 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 मानते हैं? जी सर, मानसिक तनाव के लिए मैं सबसे ज़रूरी चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि हमारे स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं और सबसे अहम भूमिका मैं चाहूँगा कि मेरे जो प्रिंसिपल सर हैं हम टाइम टू टाइम इस मानसिक तनाव को दूर करने के लिए उनको मोटिवेट करते रहते हैं कि किसी बच्चे के अगर सपोज टेस्ट में कम मार्क्स लगा जाते हैं तो हम उसको भी उतना ही मोटिवेट करते हैं जितना कि एक बच्चा जिसके जो कि अव्वल आता है, जिसके 10 में से 10 मार्क्स आते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि बच्चों का दिमाग जो है वो एक टेस्ट के आधार पर हम नहीं आँकते, उनको लगातार मोटिवेट करते रहते हैं और इस लगातार इस दिशा में काम करने के लिए निरंतर उनको मोटिवेट करते हैं।